राजस्थान में बीजेपी प्रचंड बहुमत के साथ सरकार बनाने जा रही है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जो हैं कांग्रेस के, वो कुछ ही समय बाद में इस्तीफा देने की उन्होंने स्टेटमेंट दिया था, इस्तीफा दे रहे हैं। ऐसे में बात करें राजस्थान प्रदेश कार्यालय बीजेपी का, जो कि दुल्हन से सजा दिया गया है, यहाँ पे तमाम बड़े नेता जो जीते हुए प्रत्याशी हैं वो उनका आने का दौर शुरू हो गया है। और देखिए जिस कदर से यहाँ पे पूरे गुब्बारों से, झंडों से आतिशबाजी की गई, मिठाइयाँ बांटी गई है, और जनता जो जनार्दन है उनका मूड भी आज पता लग गया है, क्योंकि कल तक जो आकलन था वो कांग्रेस के पक्ष में जा रहा था, पूरा समीकरण जो चुनावी समीकरण था। लेकिन आज जो काउंटिंग हुई, काउंटिंग में जो नतीजे सामने है वो रोचक करने वाले थे, आश्चर्य करने की। ऐसे में मेरे साथ पीछे देख सकते हैं कुछ भाजपा कार्यकर्ता मौजूद है, हम जानकारी चाहेंगे, उनसे बात करने की कोशिश करते हैं कि आखिर में किस प्रकार से वो इस जीत को देखते हैं, क्योंकि कल देर रात तक भी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने स्टेटमेंट जारी करते हुए कहा था कि भाजपा के पास सीएम चेहरा नहीं है और कांग्रेस प्रचंड बहुमत के साथ राजस्थान में सरकार बना रही है, रिपीट हो रही है। सर कितना अंतर, जो वोटों का अंतर रहा है, या फिर ये कहें कि जो पहले की सरकार कांग्रेस सरकार थी उसका दावे थे वो फेल होते नजर आ रहे हैं और कांग्रेस रिपीट की जगह डिलीट हो गई है, क्या कहेंगे आप? देखिए राजस्थान की जनता ने ये जो मानस जो बना लिया था वो पहले से ही मानस बन गया था। पिछली बार 0.5% से जो गलती हुई थी उस गलती को नहीं दोहराना चाहते थे, ये तो बहुत पहले हो गया। लेकिन कांग्रेस के कुछ लोग केवल कुर्सी के लिए 4.5 साल तक काम करते रहे, उनको जनता से कोई मतलब नहीं था। तो महिला अत्याचार, महिलाओं पे दुष्कर्म और युवाओं पे कुठाराघात, युवाओं को नौकरी नहीं देना, पेपर लीक होना, और लास्ट के अंतिम समय में 5 महीने में आप जो घोषणाएं करके बरगलाना चाह रहे, तो जिस प्रकार से आप पिछले ट्रंप काल में युवाओं को, किसानों को, और जिस तरीके से युवाओं को बेरोजगारी भत्ता देने और किसानों का ब्याज माफ करने को लेके आपने जिस तरह की घोषणाएं करी, तो जनता समझ गई, जनता ने समझ के इस ब्रॉडकास्ट किया और भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में किया। और ये जो भारतीय जनता पार्टी को जिम्मेदारी मिली है, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता और भारतीय जनता पार्टी का नेता, दोनों की ये जिम्मेदारी बन गई है कि ये जीत का जश्न उनको रिटर्न गिफ्ट करके, उनके काम करके, पब्लिक के जो अव्यवस्थित व्यवस्थाएं थी उनको व्यवस्थित करके, और जो जो कमियां राजस्थान में 5 साल से इस कांग्रेस सरकार ने रखी उन कमियों को दूर करके, और जनता की जो मूलभूत आवश्यकताएँ उनको दे के और जनता के कार्य करके हम इसका जश्न मनाएंगे। भारतीय जनता पार्टी इसका जश्न मनाएगी। हमारा काम ढोल नगाड़े बजा के या कोई पोस्टर बैनर छपा के ऐसा कोई प्रचार करके नहीं है, हमारा काम है जनता के काम करके और हम इसका जश्न मनाएंगे। और चेन स्नेचिंग भी बहुत बड़ी रही, चोरी चोरी गुंडागर्दी, यह राजस्थान में भय पैदा कर दिया। एक सनातनी और देश प्रेमी यही चाहता है शांति और विकास। और मोदी और राजस्थान का जो भी मुख्यमंत्री बनेगा वो हम सारे कार्यकर्ताओं के लिए सर आंखों पे, और हम जनता की सेवा। अभी तक मुख्यमंत्री फेस घोषित नहीं किया गया है, क्या रीज़न रहा है? हमें कोई भी हो, एक छोटे कार्यकर्ता को भी लाएंगे, वो हमारे सर आंखों पे और वो ही हमारे राजस्थान का भविष्य होंगे, और राजस्थान के विकास में कोई कमी नहीं आएगी, और एक बुलडोजर और लव जिहाद से मुक्ति हो, यही हमारा एक नारा मोदी जी से और पूरे समाज से। सर आपसे सवाल था, क्या पोलमरा रहा है बीजेपी के पास जिससे कि उन्होंने स्वयं चुनाव फाइट किया है और आखिर में प्रचंड बहुमत के साथ सरकार बना रहे हैं? फॉर्मूला जो माइक्रो बूथ लेवल मैनेजमेंट है, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता प्रशिक्षित कार्यकर्ता है, और उस प्रशिक्षण के हिसाब से, और जनता खुद ये बात चाल रही थी कि वो घर से बाहर आना चाह रही थी बीजेपी को ब्रॉडकास्ट करने के लिए, और भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता उधर से उनको लेके आ रहा था। तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और राजस्थान की जनता दोनों ने मिलके इस काम को किया है, और भारतीय जनता पार्टी को नेताओं को जिताने का काम राजस्थान की जनता और राजस्थान की भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने किया है। आपसे एक सवाल करेंगे, युवा हैं आप, थोड़ा सा आगे आ जाइए एक बार मेरे साथ, कि युवाओं को लेकर लगातार कंट्रोवर्सी चली हुई है कि बेरोजगारी बढ़ रही है, युवाओं को रोजगार नहीं दिया जा रहा, कितना सहमत हैं आप? जो कांग्रेस जो है वो डिलीट हो चुकी है, वर्तमान में सरकार कुछ ही घंटों बाद में या 2-4 दिन बाद में बीजेपी सरकार सत्ता में आ जाएगी, क्या मानते हैं? मैं इससे बहुत ही नाखुश हूँ, ये सरकार है कांग्रेस सरकार, इससे ये बेरोजगारी भी बढ़ रही है। अभी छात्र संघ चुनाव कैंसिल करे गहलोत सरकार ने, इसके खिलाफ भी मैं बहुत वो हूँ। मैं खुद तैयारी कर रहा था कॉमर्स कॉलेज से, ये हमारा सपना तोड़ा। ये राजनीति की एक सीढ़ी होती है, इसको वो करा गहलोत सरकार ने, और ये गहलोत सरकार, ये बीजेपी सरकार थी। ये पेपर लीक भी वह मुद्दा विशेष रहा है, क्या मानते हैं कि पेपर लीक मुद्दा एक अहम रोल आपकी जीत में निभाया है? बहुत बड़ा रोल है।
है इसका, और कई कार्यकर्ताओं के और वोट भी काटे गए हैं। जैसे आदर्श नगर में 20 से 22 हज़ार वोट काटे गए हैं, और उधर उनके विपक्ष वालों ने 16 साल के 15 साल के नाम जुड़वाए हैं। ये भी एक बहुत बड़ा आदर्श नगर में हारने का फैक्टर है। ठीक है, मैं बात कर रहा हूँ पेपर लीक पे आते हैं, आप यू हैं स्टूडेंट हैं, छात्र चुनाव आते हैं जाते हैं, लेकिन आपके जो वादे हैं युवा बेरोजगारी को लेकर, युवा शिक्षा को लेकर, युवाओं को एग्जाम फाइट करने को लेकर, तो पेपर लीक मुद्दा कितना अहम रहा है बताएं थोड़ा। पेपर लीक का बहुत ज़्यादा अहम रहा है, ये युवा है जो तैयारी करते हैं पूरे जी जान लगा के, जैसे हम तैयारी करते हैं पेपर लीक कर देते हैं, ये कांग्रेस सरकार, जैसे गोविंद सिंह डोटासरा जी है वो पेपर लीक करते हैं, उनकी सरकार गई है और उनके बारे में जो बोलते हैं नाथी का पाड़ा वो बिल्कुल सही बोलते हैं, वो बिल्कुल सबको समान कर दिए, अनपढ़ को और पढ़े लिखे को बिल्कुल सबको समान कर दिए, एकजुट कर दिए कि कोई अंतर नहीं है, और खुद के रिलेशन वालों को, रिश्तेदारों को, सबको नौकरी दी है, और युवाओं को इतना परेशान कराया है कि ये नौकरी नहीं लग पाए, और अलग अलग स्कीम निकाल देते हैं, योजना दे देते हैं, लेकिन उनका कोई फायदा नहीं होता। अभी नगर निगम में वैकेंसी दी युवाओं के लिए, लेकिन अभी तक वो भी पूरी नहीं हुई गहलोत सरकार के द्वारा। युवाओं को लेकर आपसे अंतिम सवाल मेरा यह था, युवाओं को लेकर अभी सरकार जो से दावे किए थे पूरी पूर्ववर्ती सरकार ने, कांग्रेस सरकार ने, वो फेल हो गए, आप उनको मुद्दा बनाकर बीजेपी सत्ता में वापस आ गई है, तो क्या लगता है कि आपको बीजेपी उन मुद्दों को, जो अहम समस्याएं थी युवाओं को लेकर, वो पूरी कर पाएगी? बिल्कुल 100% कर पाएगी। मोदी जी ने भी ये वादा किया है कि युवाओं के लिए सब कुछ करेंगे जो उनसे होगा, और उन्होंने गारंटी भी दी है, और अब यहाँ पे देखते हैं और क्या हो सकता है। सरकार बनने में अभी सरकार बनने वाली है, बीजेपी बहुमत आगे चल रही है, और हम इनसे बात करने को, सर ओपीएस लागू किया था, क्या कहेंगे आप? ओपीएस लागू किया था वो लास्ट टाइम में छलावा था, 5 साल पहले कांग्रेस की सरकार बन चुकी थी, उससे पहले ओपीएस लागू करते, और ओपीएस के पीछे का बैकग्राउंड देखे तो 10 साल में केंद्र की मनमोहन सिंह की सरकार रही, और उस समय एक बार कांग्रेस की सरकार भी रही, उस समय उस बात का हल करते और पूरे भारत में लागू करते। ये ओपीएस लागू करने का काम जो किया है वो कांग्रेस की ही देन थी, मनमोहन सिंह सबसे जो वित्त मंत्री के रूप में फेमस थे उन्हीं के द्वारा ये लाई हुई ओपीएस थी, और जो पेपर लीक का करंट था वो जनता में दिखा, और उस पेपर लीक के कारण अंडर करंट से कांग्रेस सरकार ब्रेक हो गई, और जो पड़ोस के राज्य हैं उनमें 10 रुपये पेट्रोल और डीजल सस्ता बिकता रहा 5 वर्ष तक, और इन्होंने नकार दिया, और हर घर में छोटे व्हीकल है, वसुंधरा जी की सरकार ने छोटे व्हीकलों के टोल माफ़ कर दिए थे, और जब टोल माफ़ किए कांग्रेस सरकार ने आते टोल वापस लागू कर दिए, और कांग्रेस महंगाई, भ्रष्टाचार, भय और भूखा काम उन्होंने बनाए रखा, इस कारण वो सुना। मैं पीछे रोकूंगा आपको, मेरे पीछे देख सकते हैं कि सिविल लाइन से गोपाल जी शर्मा जो बीजेपी प्रत्याशी थे उनको उन्होंने कहा है, और हम दिखाने की कोशिश करेंगे। सर हाँ, जीत को जीत की तरह देखते हैं। मंत्री होने से कोई बड़ा थोड़ी हो जाता है। गोपाल जी थे जिन्होंने हमको बता दिया साफ साफ कि भाई मंत्री होने से बड़ा आदमी नहीं होता, और मंत्री होने से बड़ा आदमी नहीं होता, लेकिन जीत तो जीत है, जनता जनार्दन थी और उन्होंने उनको सपोर्ट किया, समर्थन दिया, और जनता ने गोपाल शर्मा पर अपना विश्वास जताया। बता रहे, चलो हम शुरू करते हैं, आपसे दोबारा बताइए क्या पूरा मुद्दा था? पूरा मुद्दा ये था कि अंडरकरंट कांग्रेस ने भय, भूख और भ्रष्टाचार का तांडव फैला रखा था, और उसके नाते उनकी जो नीति थी उस नीति के कारण ये चुनाव हारे, और ओपीएस के बहाने जो कर रहे थे तो उस ओपीएस का शिकार आम आदमी हुआ, और बिजली का वादा कर रहे थे फ्री देने का, किसान बिजली के बिलों के साथ ठगे गए, और बिजली के रात को बिजली आती नहीं थी, और खाना खाने के समय, और बिजली के बहाने के, और बुजुर्ग पेंशन योजना भी उन्होंने लागू की है, बुजुर्ग पेंशन योजना पहले से ही चालू थी, उसमें मेरा निवेदन है कि इन्होंने 25 लाख तक का जो माफी का 25 लाख तक की जो चिरंजीवी योजना लागू की वो एक झूठा खोखला था। आरजीए जो गवर्नमेंट के लोग थे उनके 3 लाख का हमारे गांव के पुलिस में थे, उनका पैसा बकाया रह गया, उनको 1 रुपये का भुगतान नहीं हुआ,
और ये इससे बुरा हो क्या सकता है। पेपर लीक का जो करंट था और भय भूख और भ्रष्टाचार के कारण ये सरकार गई है और पूरे भारत में मोदी जी का मोमेंट चलता है और हर घर में छोटा बिकल था। वसुंधरा जी ने टोल माफ़ किया था, उस टोल को उन्होंने पुनः लागू कर दिया और बेरोजगारी भत्ते के नाम पर बेरोजगारों को ठगा गया। इस ठगी के शिकार साथ एक लड़की जो है युवा है उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। मैडम, बीजेपी सरकार में आ गई, सत्ता में आ गई है और कांग्रेस डिलीट हो गई है, कितना क्या मानते हैं, अपने भविष्य क्या देखते हैं? बहुत सही होगा, एटलीस्ट जो कांग्रेस में नहीं हुआ वो बीजेपी में डेफिनेटली होगा। नहीं, आपसे एक सवाल था, युवा हैं आप, शिक्षा को लेकर कितना आपने आपको सुरक्षित मानते हैं, बीजेपी कार्यकर्ता कितना सुरक्षित मानते हैं भविष्य? हाँ, बहुत सुरक्षित मानते हैं। महिला सुरक्षा की बात करने के बाद, महिला सुरक्षा कितना कांग्रेस में, राज में और अभी बीजेपी सरकार में सत्ता में आ गई है, कैसे क्या मानते हैं? बहुत बढ़िया रहेगा। पेपर लीक नहीं होंगे सारे, कांग्रेस में पेपर लीक हो रहे थे, शायद अब बीजेपी में वो तो नहीं होंगे। हम वापस पेपर देने का, बच्चों का करियर अब सही हाथ में है, इसकी गारंटी तो होगी। तो क्या पेपर लीक मुद्दा अहम रहा है बीजेपी के प्लस पर? बहुत, कांग्रेस के मामले में ये चीज का बहुत ज्यादा है, बीजेपी के लिए इसके बहुत भेदभाव का भी काफी रहा है। क्या भेदभाव बता दो? उन्होंने जैसे अभी कन्हैयालाल को 5 दिए थे और अभी यहाँ 50 लाख का जो मुद्दा है वो भी मेन रहा है इसमें। हमारे साथ एक महिलाएं कुछ जुड़ चुकी है। मैडम, सत्ता में बीजेपी आ रही है और प्रचंड बहुमत के साथ सरकार बना रही है, क्या रीजन रहे थे विशेष जिनको लेकर, प्लस पॉइंट लेकर आपने फाइट किया और चुनाव जीता? हमने बहुत मेहनत की है बीजेपी को लाने के लिए। हम चांदपोल मेरा मंडल से बोल रही हूँ, मैं गीता विजय, बहुत मेहनत की है कि बीजेपी आ जाए और हमारा बीजेपी आ जाए, वो सही है। लेकिन क्या आपने, क्या अहम रोल रहे हैं, क्या मुद्दे रहे हैं? बहुत अच्छा मुद्दा रहा है, बहुत अच्छा रहा है कि मोदी जी आ गए, मोदी जी की सरकार। हम आपसे बात करते हैं, क्या विशेष मुद्दे रहे हैं? सर देखिए, बहू बेटियों की और बच्चों की, बूढ़ियों की, लड़कियों की इज्जत मतलब खतरे में थी, इसीलिए जनता चाहती थी कि भाजपा ही आए और बीजेपी आए और ये जरूर आ ही गई हमारे लिए। हमने बहुत मेहनत की है इस पर और लाने, बीजेपी को लाने के लिए, और ये खुशी हमारे को इतनी हो रही है कि हमारे जो मेहमान आता है उसमें भी हमें इतनी खुशी नहीं होती जितनी आज हमें खुशी हो रही है। आज इतनी सुरक्षा हो। आपसे एक सवाल करना चाहूँगा कि लास्ट मोमेंट पे कांग्रेस ने योजनाएं देकर प्रलोभन दिया जनता को, फिर भी जनता पूरी सत्ता में नहीं आ पाई। सर, जनता आजकल बहुत पढ़ी लिखी है, समझदार है, वो इन प्रलोभनों में आने वाली इसलिए नहीं है क्योंकि वो सब कुछ जानती है। जितने ग्राउंड लेवल पे काम होते हैं वो सब जनता समझती है कि क्या काम हो रहे हैं। प्रलोभन दिया जा रहा है इसलिए ये सब पैसा लुटाया जा रहा है क्योंकि ये प्रलोभन है, वो जानती है कि ये हमारे लिए प्रलोभन है, लेकिन 5 साल हम इससे भुगतेंगे, वो भुगतना नहीं चाहती, इसलिए उसने इन प्रलोभनों को ठुकरा दिया। आप महिला हैं, किचन का काम ज़्यादा संभालती हैं, तो हम ये चाहेंगे सिलेंडर सस्ते कर दिए, 500 रुपये सिलेंडर दे रहे हैं। बहुत सब कुछ किया है, जो भी किया है, लेकिन वो प्रलोभन है और इनमें हम फंसने वाले नहीं थे। ये है, बहू बेटियों की इज्जत तो खतरे में थी ना, वो तो खतरे में थी ना, सुरक्षित नहीं थी वो। कांग्रेस ने महिला सुरक्षा को लेकर कानून बनाए, कड़े कानून बनाए। सर बहुत कानून बनाए थे, लेकिन कानून वाले रखवाले मतलब जाओ तो कोई किसकी सुनते ही नहीं है। रक्षक होते हैं सर, रक्षक भक्षक होते हैं वहाँ पे, तो फिर उनसे फायदा ही क्या है, ऐसे कानून बनाने से मतलब क्या है जब वो कानून ग्राउंड पे काम ही ना करें। जैसे चिरंजीवी बनाया तो चिरंजीवी में किसी को फायदा मिलता ही नहीं है। राशन कार्ड महिलाओं के, सबके राशन कार्ड, गरीबी महिला मजदूर लोग परेशान हो रहे हैं, राशन कार्ड सब बंद हो रहे हैं, पैसे वाले तो सब मजे कर रहे हैं, गरीब लोग हैं जो बहुत परेशान हो रहे हैं, किसी के पास राशन कार्ड नहीं है, किसी के पास कुछ नहीं है, और गरीब लोग जो किराए से रहते हैं बहुत परेशान हो रहे हैं सब लोग, किसी को राशन नहीं मिल रहा है, किसी को किट नहीं मिल रहा है, पैसे वाले जिसके घर के मकान है सब लोग राज कर रहे हैं। आंकड़ों में दिखाया जा रहा है, आंकड़ों में तो बहुत कुछ कर रही है सरकार, लेकिन ग्राउंड लेवल पर कुछ भी नहीं किया। चिरंजीवी में हॉस्पिटलों में जाते तो ये सुविधा यहाँ नहीं है, ये इस बीमारी के लिए है, ये उस बीमारी के लिए, ऐसा कह के हटा दिया जाता है उनको, काम तो किया ही नहीं जाता। इसलिए आज बीजेपी की इतनी मतलब इतनी भारी बहुमत से बीजेपी रही है कि मतलब खुशी का ठिकाना ही नहीं है। कांग्रेस लोग ने कुछ भी नहीं किया, मतलब जो पेंशन वगैरह भी बनी हुई है तो सिर्फ पैसे वालों की बनी हुई है, सबके पास है, गरीब के पास कोई सुरक्षा नहीं है, कोई सुरक्षित नहीं है गरीब, मतलब हस्बैंड की जो पेंशन बनी थी वो भी रुकी हुई है, दो आई वो भी बंद हो गई। मेरे हस्बैंड है जो मजदूरी करते हैं, लेकिन हमारे पास भी कुछ कोई सुरक्षा कुछ भी नहीं है, और हम लोग बड़े ऐसे रहते हैं मतलब कोई भी नहीं है, कुछ परिस्थित नहीं है। मैडम, आप कुछ कहना चाहेंगी? ठीक है, आपसे भी सवाल जवाब कर ही लेता हूँ हल्का सा, महिला सुरक्षा को लेकर बता दीजिए, कितना संतुष्ट है बीजेपी के राज में क्योंकि बीजेपी आ रही है सत्ता में और कांग्रेस सीट हो गई? बीजेपी के राज में तो सारी महिला सुरक्षित है, और जो अभी मोदी जी ने 10% महिलाओं को वो दिया है उसके बदल तो हम बहुत खुश है, और महिलाओं को मोदी जी ने सबसे आगे करा है। तो ये थी महिलाएं जो
बीजेपी कार्यकर्ता हैं और बीजेपी की जीत प्रचंड जीत पर बहुमत में बीजेपी कार्यालय आकर अपनी खुशी जाहिर कर रही हैं। ऐसे में ये साफ हो गया है कि कांग्रेस के दावे जो थे और कांग्रेस की योजनाएं थी वो केवल और केवल रेवड़ियों को काम किया है। जनता जनार्दन थी जो समझ चुकी थी। कैमरा पर्सन रमाकांत के साथ संदीप अग्रवाल, द नगरी न्यूज़, जयपुर।